सब्सक्राइब कीजिए गणेश टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पबजी का बेस्ट जीएफएक्स टूल कौन सा है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले में, तो उसमें मैंने फ्री वर्जन का बताया था, लेकिन इसमें मैं बताऊंगा जो पबजी का जीएफएक्स टूल है वो पेड वर्जन आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से गेम खेल के चिकन डिनर कैसे कर सकते हो। तो चलिए गाइस अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि PUBG का GFX टूल आता है वो बेस्ट कौन सा रहेगा, आप कौन सा यूज़ कीजिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। लेकिन वो वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया था कि जो PUBG का GFX टूल है वो फ्री वाला बताया था। तो फ्री वाले में कुछ कुछ फीचर्स नहीं है, जो ट्रिक्स है या कुछ भी बोल सकते हो आप, नए एडवांस फीचर्स नहीं है, और जो पेड वर्जन में है तो पेड वर्जन में आपको कुल मिलाकर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो वो पेड वर्जन आप फ्री में कैसे ले सकते हो, तो पेड वर्जन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा 40 से 45 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो आप फ्री में कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है गाइस, आपने डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, वहाँ पे पहली लिंक मिल जाएगी हमारे गेमिंग चैनल की। तो आप जाकर उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे मैं गेम के वीडियोस डालता हूँ, अपने पबजी के डालता हूँ वीडियोस, आप कैसे खेल सकते हो और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं हमारे। तो गाइस दूसरी वाली लिंक है ऐप लिंक बोल के, तो उस पर आपको क्लिक करके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो वो डाउनलोड कैसे कर सकते हो आप वो एक थोड़ा सा देख लीजिए। सो दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके भी मोबाइल में कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एड्स दिखेंगे, ये ऐप का भी दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपल से इसे स्क्रॉल डाउन करना है और इसके बाद ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड APK का यहाँ पे एक बटन आया है, तो उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पबजी GFX, ये वाला नीला वाला बटन 2.4 MB की एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो ये होने के बाद एक और ऐड दिखाएगा, ये कट कर देते हैं हम सिंपल से। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है, तो इसे हम यहाँ से ही ओपन कर लेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। आपको भी आपके मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर देना है, ये मैं डन कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जो आपने एप्लीकेशन है वो आ गई है। तो ये वाली एप्लीकेशन है गाइज, ये वाली है पेड वर्जन की, और जो पिछले वाली थी आप देख सकते हो, मेरे पास दोनों भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, ये वाली है फ्री वाली। तो हम अभी बात कर रहे हैं पेड वर्जन की, तो ये इसे सिंपल से आपको अलो कर देना है। ये कुछ आप देख सकते हैं, जो भी मैंने वीडियो में कहा था कि डार्क थीम है इसमें, तो इसका तो कुछ उपयोग नहीं होने वाला क्योंकि आप इसे एनी टाइम नहीं खोलने वाले हो, तो ये कुछ भी हो जाए। लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, तो ये आप देख सकते हो गाइस। यहाँ पे सबसे अच्छा जो फीचर इसका मेरे को तो लगा कि आप अपने मोबाइल का नाम डाल के आपका जो भी सेटिंग हो इम्पोर्ट कर सकते हो, जो भी बेस्ट सेटिंग होगी। तो आपको सिंपल से ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो भी फ़ोन हो, कौन सा भी फ़ोन हो वहाँ की, यानी कि वो आपको फ़ोन का नाम डालना है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं रेडमी का नोट 7 प्रो लेते हैं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोट 7 प्रो। तो यहाँ से पहले से ही यहाँ पे ये जो भी सेटिंग है वो आ जाएगी। तो ये देख सकते हो आप, कुछ भी आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे गाइस करना क्या है, अभी यहाँ पे नीचे में आया था अप्लाई बोल के, तो यहाँ से आपको सिंपल से अप्लाई करके रन गेम करना है, तभी आपका गेम अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन आप दूसरों के मोबाइल की सेटिंग नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो सेटिंग आपके मोबाइल के लिए, आपके फ़ोन के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। तो आपका जो फ़ोन है हीट कर सकता है या फिर पबजी हद से ज़्यादा लैग भी कर सकता है। तो ये बात आप मुझे कमेंट करके मत बताइए कि भाई तुमने जो भी ट्रिक बताई वो यूज़ करने के बाद तो सबसे ज़्यादा लैग हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी गलती ये हो सकती है, क्योंकि जो भी आपका फ़ोन है वही वाले फ़ोन की सेटिंग डालनी है। तो मैं यहाँ कर क्या करता हूँ, अपनी जो भी मोटरोला की सेटिंग है तो वो करना है, जो भी आपका फ़ोन हो, एग्जांपल में कोई भी हो, सैमसंग हो, रेडमी हो, कोई भी फ़ोन हो, आपको खुद के फ़ोन की ही डालनी है, तभी ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको ये नहीं करना है, आपकी जो आपके हिसाब से कस्टम सेटिंग रखनी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे क्लिक करके हम रख सकते हैं। तो ये गेम वेरिएंट हो गया, ये तो आपको वैसे ही रहने देना है। तो ग्राफिक्स हो गया, बेसिक ग्राफिक में आना है आपको, रेजोल्यूशन में, रेजोल्यूशन में हम HD कर देंगे, इसमें हम स्मूथ रहने देंगे, और जो FPS है वो हम रहने देंगे 60। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो FPS है वो 60 रख देंगे।
तो स्टाइल हो गया हम, मैं तो कलरफुल रखने वाला हूँ, तो इसमें से भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, जो भी कस्टम कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये होने के बाद जो ये क्या है नीचे में ग्राफिक्स बोल रहा है कुछ, तो इसमें मैं भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एडवांस ग्राफिक्स है, तो ये भी आप ये जीरो लैग मोड भी इनेबल कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड है, जीरो लैग मोड वो करोगे या फिर नहीं वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ये आप ऊपर में देख सकते हो मेमोरी बूस्टर का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी आप गेम खेलोगे यानी कि गेम लगाओगे तब जो आपका मेमोरी है, जो भी बैकग्राउंड में ऐप काम करती है, जो भी आपका रैम वहाँ पे जो यूज़ होता है वो बंद हो जाएगा और सारा रैम आपका पबजी खेलने में लग जाएगा, यानी कि वो लैग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवांस ग्राफिक तो हो गया, तो वो आपको ऑन कर देना है मेमोरी बूस्टर। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक्स में आप देख सकते हो, तो जो साउंड क्वालिटी है आप अभी जो नए अपडेट के बाद 0.15.0 का अपडेट के बाद देख सकते हो, जो साउंड की क्वालिटी है वो मीडियम हाई और अल्ट्रा, यानी कि लो हाई और अल्ट्रा आ गई है। लेकिन आप सबके जो भी मोबाइल में हाई ही सपोर्ट करता है, लेकिन आपको उसको अल्ट्रा में खेलना है तो यहाँ से आप खेल सकते हो अल्ट्रा में। तो मैंने ये ट्राई नहीं किया है अल्ट्रा में, तो मैं इसे ट्राई नहीं किया है अल्ट्रा में कैसे चलता है, तो मैं आगे देखूंगा ये कैसे चलता है। लेकिन आपको ट्राई करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो अल्ट्रा में भी, लेकिन उसमें क्या होगा जो भी ग्राफिक्स यानी कि हाई में जो भी आपका साउंड आता है तो उससे कई गुना बेटर अल्ट्रा में आ जाएगा। तो ये किसी के मोबाइल में सपोर्ट करेगा और किसी के मोबाइल में नहीं सपोर्ट करता है। तो सिंपल से ये सब कुछ जो भी कस्टम करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सिंपल से ये दो तरीके हैं गाइस, आप इसे कोई भी तरीके से। तो आई होप गाइस कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होगी, जो मैंने पेड वर्जन फ्री में आपको कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी बताया है। तो आप प्ले स्टोर पे जाके चेक भी कर सकते हैं, वही वाली ऐप है जो मैंने आपको फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं वो बताई है। तो आई होप कि आपको ऐप और वीडियो दोनों भी पसंद आए होंगे, तो आप आराम से पबजी खेल सकते हो, लैग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी मैंने कस्टमाइज सेटिंग इसमें बताई है उसी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आप इसमें भी फिर बदलाव कर सकते हो आपके हिसाब के, आपको जो भी सेटिंग चेंज करनी है या फिर कुछ भी करना हो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो, या फिर आपको नहीं करना है तो वो मेरी वाली ही सेटिंग रहने दीजिए, वो ही सबसे बेस्ट सेटिंग है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पहले वंदे मातरम, जय हिंद।